हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो के अंदर गारंटी से रिलेटेड अपन ने दो पॉइंट्स की बात करी थी। यदि क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है तो गारंटी में कम पड़ी राशि शेष साझेदार अपने पुराने अनुपात के अंदर अपने ओल्ड रेशियो के अंदर बियर करेंगे। यदि केवल एक साझेदार ने गारंटी दी है तो टोटल डेफिशिएंसी अमाउंट विल बी बोर्न बाय ए सिंगल पार्टनर। अब गारंटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, जैसे ए और बी 3:2 के अंदर पार्टनर हैं, सी को एडमिशन दिया 1:4 के लिए, और इसको जो न्यूनतम लाभ की गारंटी है वो 20,000 रुपए, 20,000 पर एनम वार्षिक लाभ 20,000 रुपए की इसको गारंटी दी। एज्यूमिंग द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग वो ₹1,00,000, प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, साल भर के अंदर फर्म को ₹1,00,000 का प्रॉफिट हुआ। सी वॉज एडमिटेड फॉर 1:4, सी को 1/4 हिस्से के लिए एडमिशन दिया तो इसको प्रॉफिट कितना मिलेगा, 1/4, 1,00,000 रुपए का 1/4, 4×2 = 4×5 = 25,000 रुपए इसको प्रॉफिट का मिलेगा। क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम प्रॉफिट रखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,00,000। ये 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट अपन ने रख दिया। इस प्रॉफिट को सबसे पहले तीनों पार्टनर के अंदर डिवाइड करेंगे तो मैं यहां पर लिखूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, तीन पार्टनर है ए बी और सी। सी इज ए गारंटेड पार्टनर, सी को 1/4 के लिए एडमिशन दिया तो इसके हिस्से के अंदर प्रॉफिट कितना आया, 25,000 रुपए का प्रॉफिट आया। बचा हुआ प्रॉफिट ए और बी के बीच में, बट नेचुरल इनके 3:2 के अंदर डिवाइड होगा। रिमेनिंग प्रॉफिट 1,00,000 माइनस 25,000 इज इक्वल टू 75,000 डिवाइडेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, 5×1 = 2, 5×5 = 15×3 = 15,000 रुपए इसको मिल जाएंगे, और 15×2 = 30,000 रुपए इसको मिल जाएंगे। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 10×0 = 1, 4×5 = 3, 8×2 = 10। अब स्टूडेंट ध्यान देना है कि सी को जो गारंटी दी थी वो कितने रुपए की दी थी, 20,000, 20,000 रुपए सालाने की गारंटी इसको दी थी। तो स्टूडेंट्स इसके हिस्से के अंदर यानी कि सी के हिस्से में 25,000 रुपए आए, जबकि इसको गारंटी कितने की थी, 20,000 रुपए की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा हो इफ द गारंटी अमाउंट इज लेसर देन द एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल में इसको कितना मिल रहा है, 25,000 रुपए मिल रहे हैं और गारंटी इसको 20,000 रुपए वार्षिक थी, तो इस कंडीशन में ध्यान रखना है कि जो अमाउंट ज्यादा होगा वो पार्टनर को दे दिया जाएगा। क्योंकि तो गारंटी किस बात की थी कि भैया तेरे को 20,000 रुपए से कम लाभ नहीं होगा, ज्यादा यदि तेरे हिस्से में आ जाता है तो हम तेरे को ज्यादा ही देंगे, तेरे को गारंटी से कम पैसा नहीं मिलेगा। और दूसरी गारंटी क्या है कि तेरे को लॉस तो किसी कंडीशन में होगा ही नहीं। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स यदि फर्म के अंदर मान लो प्रॉफिट नहीं होता है और लॉस हो जाता है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, एक एग्जांपल से इस पॉइंट को भी समझने की कोशिश करेंगे। 3:2 के अंदर एक्स और वाई पार्टनर हैं, सी को 1/4 के लिए एडमिशन दिया है, यदि प्रॉफिट होता तो इसको 1/4 हिस्सा मिलता, और ये कौन है, ये एक गारंटेड पार्टनर है, वीक हार्टेड पर्सन है, कमजोर दिल का आदमी है, लॉस बियर नहीं कर सकता।
लॉस में मान के चलता हूं कि फर्म के अंदर लॉस 1 लाख रुपए का लॉस हुआ, लॉस इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। और सी को जो गारंटी दी थी वो कितने रुपए की दी थी, 20,000 पर एनम, 20,000 रुपए न्यूनतम लाभ की गारंटी दी थी। और कंडीशन क्या है, फर्म की फर्म के अंदर लॉस हो गया, तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि लॉस की कंडीशन के अंदर भी गारंटेड पार्टनर को उसका गारंटेड अमाउंट फर्म को देना पड़ेगा। तो मैं सी को तो टू सीज कैपिटल अकाउंट इसको 20,000 रुपए की गारंटी दी थी, इसको 1,20,000 रुपए अपन को देने ही पड़ेंगे। अब फर्म के अंदर टोटल लॉस कितना हो गया, 1,20,000 रुपए का लॉस हो गया। ये लॉस ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में शेष साझेदार ही वहन करेंगे, गारंटेड जो पार्टनर है वो लॉस नहीं भुगतेगा। तो बाय कैपिटल अकाउंट ये लॉस ए और बी के बीच में किस रेशो के अंदर बटेगा, 3:2 के अंदर ये इसको बियर करेंगे। 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट 3:2 के अंदर मैं डिवाइड कर दूंगा, 5 2 जा 2 5 4 जा, चोई दिया 72 और चोई दुनी 48। इस तरह से जिस साझेदार को गारंटी दी है वो हानि के अंदर अपना हिस्सा वहन नहीं करेगा। इधर का टोटल 0 2 8 10 की 0 1 7 8 4 12। तो अभी तक मैंने क्या बताया, यदि गारंटी अमाउंट से ज्यादा प्रॉफिट हिस्से में आ रहा है तो उसको ज्यादा हिस्सा ही दिया जाएगा, और यदि फर्म के अंदर लॉस भी है तो उस कंडीशन के अंदर भी जो गारंटेड पार्टनर है वो लॉस को पार्टिसिपेट नहीं करेगा। स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर बी अंडर द गारंटी, ए पॉइंट क्या था, फर्म के द्वारा किसी एक साझेदार को या दो साझेदारों को गारंटी, जस्ट अपोजिट पॉइंट नंबर बी गारंटी बाय ए पार्टनर टू द फर्म, गारंटी किसने दी, एक पार्टनर ने दी, और किसको दी, फर्म को दी। तो इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। ए बी और सी 5:3:2 के अंदर पार्टनर है, सी ने फर्म को गारंटी दी कि मैं कम से कम फर्म को 60,000 यानी 60,000 रुपए 1 साल के कमा के दूंगा, इट्स माय गारंटी। साल भर के अंदर जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹1,00,000, 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट फर्म ने कमाया। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग सो एंड सो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ब्रिंग डाउन द नेट प्रॉफिट, फर्म ने प्रॉफिट कितने रुपए का कमाया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,00,000 रुपए का फर्म ने प्रॉफिट कमाया। इस 1,00,000 रुपए के प्रॉफिट के अंदर से सी ने गारंटी कितने रुपए की दी थी, 60,000 रुपए कमाने की, और सी ने तो वास्तव के अंदर फर्म के लिए कितना कमा कर दिया, 40,000 रुपए दिया। तो समझने की दृष्टि से मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, एफ फॉर फर्म, फर्म ने कितना कमाया, और जो सी ने गारंटी दी है वो कितना कमाया, सी ने एक्चुअल में कितना कमा के दिया, 40,000 रुपए का
प्रॉफिट कमा के दिया। और फर्म ने कितना कमाया, 1,40,000, फर्म ने कमाया 60,000 रुपए का। अब सी ने फर्म को गारंटी दी थी कि भैया मैं यदि आ गया तो 60,000 रुपए कमा के दूंगा, और इसने एक्चुअल के अंदर 40,000 रुपए कमा के दिए, तो डेफिशिएंसी अमाउंट विल बी बोर्न बाय सी। गारंटी में कितने पैसे कम पड़ गए, 60,000 - 40,000, 20,000 रुपए कम पड़ गए। तो ये 20,000 रुपए कौन देगा, सी देगा, पहली बात। दूसरी बात, सी यदि देगा तो सबसे पहले हम इसके लिए एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। गारंटी में कम पड़ी राशि सी को डेबिट कर दी जाएगी बाय सीज कैपिटल अकाउंट, गारंटेड अमाउंट डेफिशिएंसी अमाउंट। कितने रुपए कम पड़ गए, 20,000 रुपए कम पड़ गए, ये पैसे सी देगा, तो एंट्री बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले हम इस एंट्री को पास करेंगे और इसके बाद में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 40,000 रुपए उसने पहले कमा के दे दिए और 20,000 रुपए के लिए हमने एक अलग से एंट्री पास कर दी, तो इसका गारंटेड अमाउंट 60,000 रुपए ये पूरा हो जाता है, 40 और 20 60। अब हम 1,20,000 रुपए के प्रॉफिट को ए बी सी के अंदर डिवाइड कर देंगे, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थ्री पार्टनर्स ए बी और सी। 1,20,000 रुपए के प्रॉफिट को 1,20,000 डिवाइडेड 5:3:2, 0 से 0 कट गया, इधर कितना बचा 12,000, तो 12×5=60,000 रुपए इसको मिल गए, 12×3=36,000 रुपए किसको मिल गए, बी को मिल गए, और 12×2=24,000 रुपए सी को मिल गए। और इन तीनों का टोटल यहां पर 1,20,000 रुपए और नीचे भी टोटल इक्वलाइज कर देंगे, इस साइड का टोटल 1,20,000 रुपए और इस साइड का भी टोटल 1,20,000 रुपए। फर्स्ट जनरल एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकंड जनरल एंट्री फॉर द डेफिशिएंसी अमाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंट्री नंबर 2, और एंट्री नंबर 3 एंड फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। इस प्रकार से हमने देखा कि जब कोई साझेदार फर्म को एक न्यूनतम लाभ की गारंटी देता है और यदि वो कमाकर नहीं दे पाता है, इफ ही इज अनेबल टू अर्न द गारंटेड प्रॉफिट फॉर द फर्म, फर्स्ट जनरल एंट्री इज पास फॉर द डेफिशिएंसी अमाउंट, कम पड़ी राशि के लिए एंट्री पास कर देंगे, इससे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा और फिर इसके बाद में जो इनका रेशियो है उसके अंदर इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। आशा करता हूं स्टूडेंट्स आपको दोनों तरह की गारंटी और गारंटी से रिलेटेड अमाउंट समझ में आ गया होगा। अपने इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं, और आप लोगों ने रुचि लेकर इंटरेस्ट लेकर इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।